सबसे पहले सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी लर्निंग पॉइंट की इस नई वीडियो में। दोस्तों, पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है। पंजाब के अनुसार हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस बार 1 नवम्बर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ पर चांद को देख कर व्रत खोला जाता है। सुहागिन महिलाएं चांद को देख कर अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। तो वहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ पर राजस्थान के सभी जिलों में चांद निकलने का समय क्या है। आज अजमेर में चांद निकलने का समय है 8:32 पर और आज कोटा में चांद निकलने का समय है 8:21 पर। राजस्थान के अलवर जिले में आज चांद निकलने का समय है 8:21 पर। बांसवाड़ा जिले में आज चांद दिखाई देगा 8:41 पर। जयपुर जिले में आज चांद दिखाई देगा 8:26 पर। प्रतापगढ़ में आज चांद दिखाई देगा 8:39 पर। सिरोही जिले में आज चांद दिखाई देगा 8:44 पर। आज गंगानगर में चांद निकलने का समय है 8:25 पर। दोस्तों, बीकानेर में चांद निकलने का समय है 8:33 पर। जैसलमेर में चांद निकलने का समय है 8:47 पर। बाड़मेर में चांद निकलने का समय है 8:48 पर। जालौर में चांद निकलने का समय है 8:44 पर। सीकर जिले में चांद निकलने का समय है 8:27 पर। झुंझुनू जिले में चांद निकलने का समय है 8:24 पर। चूरू में आज चांद निकलने का समय है 8:26 पर। भीलवाड़ा में आज चांद निकलने का समय 8:36 पर। हनुमानगढ़ में आज चांद निकलने का समय 8:24 पर। उदयपुर में आज चांद निकलने का समय 8:42 पर। जोधपुर में आज चांद निकलने का समय 8:40 पर। आज पाली में चांद दिखाई देगा 8:40 पर। डूंगरपुर में चांद निकलने का समय 8:44 पर। भरतपुर में चांद निकलने का समय 8:16 पर। आज छांछौर में चांद निकलने का समय 8:49 पर। आज बूंदी में चांद निकलने का समय 8:31 पर और आज राजसमंद में चांद निकलने का समय 8:40 पर और आज दौसा में चांद निकलने का समय है 8:33 पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।